तो गाइस हमारी ये सूट है, तीसरी चौथी ड्रेस हमारी है, चौथी ड्रेस है हमारी है। ये सर अभी फिर देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज के दिन की शुरुआत करते हैं अपन 11 बजे से, और अभी चलते हैं अपन बाहर कुछ चाय पी के आएंगे, और अभी तन्नू को लेके आएंगे क्योंकि उसके कुछ प्रोडक्ट बाकी रह गए थे तो वो अपन शूट करेंगे आज। तो अभी चलते हैं अपन बाहर और करते हैं आज तन्नू के कुछ प्रोडक्ट शूट। आज उसका काम फ्री कर देते हैं, सारा जो भी शूट रहे बाकी रह गया उसका वो आज शूट करके फ्री कर देंगे। तो चलो चलते हैं बाहर चाय पीने। गाइस तो अभी हम जा रहे हैं शूट करने के लिए, तन्नू के कुछ प्रोडक्ट रह गए थे एक दो, तो उनको हम करेंगे आज कैमरे से शूट। तो उसके लिए हम जा रहे हैं, अपने मॉडल हो चुके हैं रेडी, तो अभी हम करेंगे शूट। तो गाइस अपनी एक ड्रेस तो हो गई है डन, अपनी मॉडल अपना फोटो शूट देख रही है कैसा बनना कैसा शूट हुआ जब भी है। तो मैम आपको कैसा लगा? एक तो ये डन, दो तीन। तो गाइस हमारी ये शूट है, तीसरी चौथी ड्रेस हमारी है, चौथी ड्रेस है हमारी है। ये सर अभी फिर देख रहे हैं, हमारी चार ड्रेसेस शूट हो चुकी है। और देखो इसने क्या कर रखा, मुझे नाम मुझे वो बना रखा है हैंगर, इसके मैं एक्स्ट्रा पैसे लूँगा इससे। गाइस आप इंसाफ करना, अगर कल कोई पैसे नहीं दे तो आप ध्यान रखना। ये इसने मुझे हैंगर भी बना रखा है, मैं उसका भी इससे चार्ज करूँगा, इसके पैसे देने पड़ेंगे इसको मुझे, मतलब इसके पैसे काटूँगा मैं, मतलब पैसे मैं वो करूँगा ना, तो मैं इसके पैसे काटूँगा। ओके गाइस तो फाइनली हम लोग हो गए फ्री, और देखो शूट करते करते ना मैं अंधेरा ही हो गया। ये देख रही है वापस फ़ोटो शूट अपना, ये देखो अभी का शूट मैडम का हमारे, फाइनली इसका शूट हो गया है और अंधेरा ही हो गया शूट करते करते मैं देख लूँ। ओके गाइस तो आज हम बात करने वाले हैं वेडिंग फोटोग्राफी में कैरियर के बारे में, और ये कमेंट मुझे ना एक हिमांशु भाई ने किया था कि भाई इस टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बनाओ, तो मैं भाई के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो सीन ऐसा है, वेडिंग फोटोग्राफी में अगर आप कैरियर बनाना चाहो ना तो बना सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी देखो स्ट्रगल की बात करो ना तो स्ट्रगल हर जगह है, जितना आप मेहनत और किसी फील्ड में कर रहे हो ना उतना मेहनत आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो है लोगों को लगता है कि बहुत ईजी है करना, तो ऐसा कुछ नहीं है, कंपटीशन वाला सीन है, तो वो हर जगह है। देखो हर फील्ड में आप अगर फोटोग्राफी में जाओगे, गवर्नमेंट जॉब या किसी भी फील्ड में आप जाओगे ना, आपको कंपटीशन हर जगह मिलेगा। तो सेम सिचुएशन है कि वेडिंग फोटोग्राफी में भी आपको ना कंपटीशन बहुत मिलेगा, आपको हमेशा अपग्रेड रहना है और हमेशा कुछ ना मतलब सीखना नहीं बंद करना है कभी, हमेशा सीखते रहो तो आप लाइफ में मतलब आगे बढ़ पाओगे। अगर आपने जिस दिन सीखना छोड़ दिया ना आप वहीं नीचे चले जाओगे, तो इसलिए कंपटीशन भी है, दूसरा स्ट्रगल हर जगह है। देखो स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप इस फील्ड में भी जाते हो तो पैसा भी है, नो डाउट अच्छा पैसा है, ठीक है, आप आराम से अच्छा खासा पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। पर बात ये कि आपको ना उस चीज़ के लिए ना मेहनत भी करनी पड़ेगी, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना पड़ेगा, अब खुद को अपग्रेड रखना पड़ेगा, बस वही चीज़ रहती है। बाकी वेडिंग फोटोग्राफी में आप करियर बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसमें ना वेडिंग फोटोग्राफी में आप ना तब आओ, फोटोग्राफी में आप तब आओ अगर आपको लगता है कि आप 100% दे सकते हो, आप मेहनत कर सकते हो स्ट्रगल कर सकते हो, तो आप वेडिंग फोटोग्राफी में आओ, ठीक है। फोटोग्राफी में ही मतलब आप तभी आओ, अगर नहीं हो पाए ऐसा नहीं होता है तो फिर मेरे हिसाब से आपका आने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखो यार वेडिंग फोटोग्राफी और वेडिंग फोटोग्राफी नहीं, फोटोग्राफी में ही अगर आप आते हो ना तो सिंपल सी बात है, लोग क्या होता है कि मैंने एक चीज़ देखी है कि लोग क्या करते हैं, जैसे मुझे देख के या कोई और लोग जितने भी आज के अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स हैं, तो उनको देख के ना लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि यार इसमें तो अच्छा पैसा है, अच्छा है, बढ़िया एंजॉयमेंट है, लोग बढ़िया घूमते हैं, बढ़िया अच्छी अच्छी लोकेशन पे शूट करते हैं, अच्छा मजा है, तो हम भी ऐसा करेंगे। वही लोग ना ये सोच के वेडिंग फोटोग्राफी में आ जाते हैं कि ठीक है मजा आएगा, बहुत घूमेंगे फिरेंगे अच्छा पैसा कमाएंगे। पर होता क्या है कि जब बाद में वो स्ट्रगल देखते हैं ना कि पूरे दिन शूट करना, सुबह से लेकर शाम तक शूट कर रहे हैं, रात दिन शूट कर रहे हैं, जब वेडिंग सीजन के टाइम का तो सीन ही ऐसा होता है कि आप ना पाँच छः छः दिन तक रेगुलर शूट कर रहे हो, तो बिना सोए बिना कुछ खाए पिए, खाना पीना ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, खा लिए तो खा लिए, नहीं खाए तो कोई नहीं खाए, ऐसा चलता रहता है। तो गाइस अंदर बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था इसलिए मैं बाहर आ गया,
तो मैं कहा था कि जैसे आप लोग काफ़ी लोग सोच के आते ना इस चीज़ की, घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे पियेंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे, तो भाई ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है, आसान कुछ भी नहीं है। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत कर सकते हो ना तो फिर आप आओ, कोई दिक्कत नहीं। पर देखो यार, अगर आप मेहनत ही करना चाहते हो ना तो आप फिर तो आप किसी भी फील्ड में जाओ जिसमें आपका इंटरेस्ट है ना, आप फिर उस फील्ड में तो आप किसी में भी जाओ, आप कर सकते हो। बस उसको छोड़ो मत, करते रहो, हार नहीं माननी होती, बस करते रहो, सीखते रहो, अच्छी चीज़ें अपग्रेड करते रहो खुद को। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। मेरी राय तो यही थी कि भाई अगर आपका मन है, आप 100% दे सकते हो तो आपको जरूर आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 hours later. तो गाइस मैं आ चुका हूँ अभी फ्लैट पे, असीम और भी आ गए, असीम आ गए, उत्तम भी आ गए। गाइस अभी हमारा हो गया है चाय पीने का टाइम, तो अभी हम जा रहे हैं बाहर चाय पीने के लिए। अपना असीम भाई देखो टोपी ओपी लगा के एकदम चकाचक रेडी हो चुका है। असीम भाई ने अपने ना खूबसूरत हेयर छुपा लिए, तो अभी अपन जा रहे हैं बाहर। बाकी अगर आप कमेंट करोगे इसके खूबसूरत हेयर आपको देखने हैं तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको इसके खूबसूरत हेयर दिखाऊंगा। अगर 10 कमेंट आ गए, 10 कमेंट अगर अपना वीडियो पे, तो मैं तारे खूबसूरत हेयर दिखाऊंगा। हाँ दिखाऊंगा दिखाऊंगा, पक्की बात है। पक्की बात, अगर आप लोगों ने 10 कमेंट कर दी ना तो फिर असीम अपने खूबसूरत हेयर दिखाएगा खुद अपनी मर्जी से। ऐसे तो वैसे आप लोगों ने देख ही लिए होंगे, पर जैसे मान लो इसने अपनी मर्जी से नहीं दिखाए थे, वो ये अगर 10 कमेंट आ गए ना तो ये खुद अपनी मर्जी से दिखाएगा, खुश होके हंसते हुए स्माइल के साथ दिखाएगा। डन असीम? डन, मुझे पसंद है, डन हो चुका है। कल देखते हैं, कल कमेंट मतलब इस पर कमेंट कर देना। तो गाइस असीम रेडी हो चुका अपना। ओके गाइस, तो अभी हम निकल रहे हैं चाय पीने के लिए। तो गाइस अभी हम आए मंगल चाय पीने के लिए। ओके गाइस, तो अभी हम आए पेट्रोल डलवाने के लिए, फिर जाएंगे हम बाहर थोड़ा सा, थोड़ी दूर घूम के आएंगे दोनों भाई, फिर जाएंगे घर। ओके गाइस, तो पेट्रोल ले लिया हमने और अभी हम जा रहे हैं आगे, थोड़ा सा घूम के आएंगे, बातें कर रहे हैं आज थोड़े से, मतलब इतने दिनों बाद असीम से मिला हूँ ना, तो आज हम हमारी बातें शेयर कर रहे हैं, पर्सनल बातें कर रहे हैं। आज हम लोग घूम रहे हैं गाड़ी पर और पर्सनल बातें कर रहे हैं दोनों भाई, दुख सुख बांट रहे हैं, दुख सुख बांट रहे हैं। ओके गाइस, तो हम आ गए वापस प्लेट पे, सब्जी ले आए ढाबे से, खाना बना ही लिया था हम तो मैंने, तो अभी हम खाएंगे खाना। ओके गाइस, तो खाना हो चुका हमारा डन, अभी हम बैठेंगे थोड़ी देर, वही फिर असीम और हम लोग बैठेंगे और थोड़ी देर मस्ती करेंगे, उसके बाद में करूँगा एडिटिंग। ओके गाइस, तो फाइनली आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, bye।